ओके तो यहाँ पे T10 के लोगन ने भी नॉक निकाला एक यहाँ पे फिलहाल के लिए. लेट सी टीम स्टॉर्म वर्सेस टीम टेन हो रहा है आई गेस. हाँ यस टीम 10 हो रहा है एंड यहाँ पे टीम 10 ने आई गेस पूरा ही सारे पूरी टीम को फिनिश ऑफ कर दिया है. दैट इज प्रेटी इम्प्रेसिव गेम प्ले. ओके गाइस इसमें भी फ्रेम स्किप्स होते हैं क्या यार. यहाँ पे स्केलेटन ने एक और नॉक निकाला. यहाँ पे डीपी ने एरीज की, यहाँ पे एरीज की टीम दिक्कत में आ रही है बिकॉज यहाँ पे फ्रिकिन के वर्सेस भी फाइट हो रही है. यहाँ पे फ्रिकिन इज सर्वाइविंग, उनको जोन में जाना है बट यहाँ पे उनके पास 7 किल्स हैं तो उनको किल से एक अच्छा खासा वो मिल सकता है, लिफ्ट मिल सकता है. यहाँ पे तुष्ट पाल थोड़ा दूर है अपने बंदे से, तुष्ट पाल के अंदर अभी 2 किल हैं बट खाते में 2 किल हैं. यहाँ पे TS3 की टीम सर के अंदर क्लोज इन कर रही है, उनका स्प्रेस पड़ रहे हैं पीछे से एंड उनकी गाड़ी अगर फटी तो गए. यहाँ पे TS3 के डेबी FTW गिर के नॉक हो गए एंड थोड़ा सा हम लोग को ख़राब कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रही है बट यहाँ पे आई गेस वो उसको ठीक करना चाहेंगे. ओके सो यहाँ पे स्मोक किया है उन्होंने, स्मोक है यहाँ पे एरीज की. आई गेस पूरी टीम फिनिश होती है तो यहाँ पे अच्छी अच्छी टीम्स थोड़ा सा गलत उतना कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रही खास. यहाँ पे पूरी टीम एरीज ने, ओके एरीज के आखिरी बंदे थे आई गेस ये, नहीं एरीज के, ओके यहाँ पे एरीज, ओके यहाँ पे थोड़ी सी मतलब कि कोलैप्स कर रही थी बट यहाँ पे सबके चारों के चारों एरीज को फिर से एक जीवन दान मिल गया है. यहाँ पे एरीज की टीम फिर बैक इनटू एक्शन आ चुकी है तो यस दे विल बी प्लेइंग द गेम एंड दे आर ऑलरेडी इन द सर्कल आई थिंक सो. नो सर्कल के अंदर अभी कोई टीम नहीं है. यहाँ पे एक और ड्रॉप शायद मंगाया फ्लेयर, यहाँ पे हम लोग को बहुत देखने को मिल रही है. हर जगह MK14 दिख रही है मेरे को, MK14 DBS. यहाँ पे एक और गीली देखने को मिला मेरे को विच इज़ प्रेटी नाइस. ओके तो हम लोग चलते हैं टीम 10 के पास. तो यहाँ पे भी अभी तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी तक कोई कैजुअल्टी नहीं. यहाँ पे 13 टीम आ चुकी हैं एंड यहाँ पे कोई भी टीम मतलब कि अभी तक टॉप 10 का कोई डिसाइड नहीं हो पाया. वेल हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे एरिस के फ्रिंक्स एंड रैप्टर अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे 6, 7, 8 किल हैं उनके पास. यहाँ पे TNT की टीम 4 किल के साथ एक बंदा उनके साथ खेल रहा है. यहाँ पे T10 खेल रही है, T3 मैन स्क्वाड खेल रही है एंड यहाँ पे रे की टीम है जो कि वारू रैक्स स्टार्क एंड डेमोन साहिल भी साथ में है. T10 के लोगन भी साथ में है, स्टॉर्म डॉन भी हैं साथ में, स्टॉर्म किंग के. अभी तक सब सर्कल के अंदर रोटेशन कर रहे हैं. यहाँ पे एरीज की टीम आई गेस ड्रॉप लूट रहे हैं लोग. एक सेकंड गाइस. अभी ठीक है. ओके तो वी आर बैक एंड यस तो यहाँ पे फाइट के आगे यहाँ पे स्प्रेज हम लोग को जैसे सुन रहे मिल रहे हैं. यहाँ पे टीम नंबर यहाँ पे एक्जी हैं एंड रैप्टर ने उनका स्पॉट कर दिया है. कोडो की टीम थोड़ी दिक्कत में आ सकती है बिकॉज वो लोग यहाँ पे यस यहाँ पे एरीज के रैप्टर ने नॉक कर दिया है, इनको फिनिश करने का कोशिश करेंगे. यहाँ पे अभी एंड अशु ने शायद सोचा कि नहीं जाएंगे बिकॉज पीछे से टीम नंबर 13 भी आ रही है गाड़ी में जो कि शैडो हैं एंड वो अकेले हैं. यस दे ही इज़ ओके, ये अभी तक जिंदा है. दिस गाय इज़ इनसेन बिकॉज ही इज़ प्लेइंग 1v4 एंड लेट्स सी विल ही एबल टू गेट देम आउट और नॉट बिकॉज यस उन्होंने थोड़ा प्रोन कर लिया बट कोडो के अभू ने अभी तक फाइट नहीं ली. बट वाइल लेफ्ट में एक टीम होल्ड करके रखी है दैट इज एरीज एंड दिस माइट चेंज द गेम बिकॉज यहाँ पर टीम नंबर 19 भी आ रही है लेफ्ट से. लेट्स सी कि टीम नंबर 19 क्या कर पाती है, क्या वो स्पॉट इन कर पाएंगे उनको. एंड यहाँ पे 4G के तन में अपने DC ठाकुर को स्टार्टिंग में अर्ली एग्जिट ले लिया था बट स्टिल दे आर इन द टॉप एंड दे आर फाइंडिंग देयर वे टू गेट इनटू द टॉप 10. सो टॉप 10 में आना इज मेजर इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है फिलहाल के लिए बिकॉज यहाँ पे जैसे वो अकेले खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए शैडो आई गेस, यस TS के शैडो
एंड ईवो की टीम अभी तक पूरी चारों टीम के चारों बंदे के साथ, यहाँ पे 12 नंबर टीम भी है, एरियस की टीम भी चारों के साथ है विदाउट एनी कैजुअलिटी। एंड कुछ टीम्स हैं जो कि फिलहाल के लिए अभी 4 मैन स्क्वाड, 3 मैन 2 मैन एंड 1 मैन स्क्वाड खेल रही है, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर सर्कल क्लोज इन होता हुआ। लेट सी कि कैसा रोटेशन होता है। सर्कल आया है लॉस लियोनेस के बिल्कुल अंदर, एंड यहाँ पर टीम फ्रिकिन आ चुकी है ऑलरेडी, क्लोज इन कर चुकी है यहाँ पर फ्रिकिन एंड तुष्टपाल, जो कि अपनी टीम के बहुत ही अच्छे प्लेयर्स हैं। लास्ट टाइम तुष्टपाल ने जो चिकन डिनर निकाला था, अपनी टीम को एक चिकन डिनर दिया था एंड विथ हाई किल, दैट वॉज प्रेटी इंप्रेसिव, बहुत इंप्रेसिव था बिकॉज यहाँ उस टाइम TS3 वर्सेज 1v1 सिचुएशन में उन्होंने बहुत अच्छा हैंडल किया उसको। एंड जैसे कि उनने जिस तरीके से गाड़ी स्लैम करके कवर बनाया था और उसके बाद हील भी किया था, एंड ही वॉज 1 HP, एक टाइम के लिए उनका गेम पूरा ख़त्म हो गया था, बट ही चेंज द गेम रियली। एंड फिलहाल के लिए टीम यहाँ पे ईवो की टीम आई गेस फाइट ले रही है, एंड ईवो के क्लच गॉड यस यहाँ पे नॉकड हैं गाड़ी के, एक ब्लास्ट था आई गेस, एंड सिर्फ रावण बचे हैं। यस यहाँ पे आई गेस 2v2 सिचुएशन, 2v4 सिचुएशन है, एंड रावण को शायद QFDK बंदे ने नहीं देखा है गाइस। यहाँ पे BRDM आई गेस, ओके यहाँ पे मिराडो है, एंड यहाँ पे यस रावण को भी फिनिश ऑफ किया, यहाँ पे पूरी टीम को ख़त्म किया गया। यहाँ पे TNT के थैनोस ने स्मोक जोरो को नॉक किया, विच विल बी अ प्रेडी बहुत ज़्यादा गलत इशू हो सकता है वो। एंड यहाँ पे कहाँ गए जोरो, TS3 के स्केलेटन, यहाँ पे TS3 की टीम आई गेस ख़त्म होती हुई, TS3 के जो आई गेस दो बंदे बचे, नहीं TS3 के डेबी इज स्टिल लेफ्ट इन हिज टीम प्लेइंग 1v4 एंड विथ 6 किल्स इन हिज हैंड्स। सो दिस टीम वॉज ऑल्सो प्लेइंग अ प्रेटी इंप्रेसिव गेम प्ले, बट यहाँ पर टीम नंबर 14 स्काउटिंग कर रही है, वहाँ से स्काउट कर रही है कि यहाँ पे कौन बंदे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, एंड आई थिंक उनको नहीं पता है कि वहाँ पे TS3 के डेबी बैठे हुए हैं। यस डेबी इज देयर, एंड लोगन को कोई आइडिया नहीं है कि वहाँ पे वो लूट कर रहे हैं, लेकिन शायद उन्हीं के सामने, ओके यहाँ पे डेबी निकल चुके हैं ऑलरेडी टूवर्ड्स द सर्कल, तो यहाँ पे सर्कल प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, यहाँ पे टॉप 10 में आ चुकी है, मतलब जैसे कि देखा आपने गाइस यहाँ पे ऑल दो दे वेयर प्लेइंग, पहले तो वो बोला कि वैम ने, हेलफायर ने पहले अर्ली एग्जिट ले लिया, बट यहाँ पे स्टिल डेबी उनको टॉप 10 में लेकर, बट उनके लिए दिक्कत आ सकती है बहुत सामने, और इनको स्पॉट कर लिया है, बट यहाँ पे क्या वो इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश कर पाएंगे कि नहीं, नॉक किया यहाँ पे, बट यहाँ पे अगर उनको स्पॉट किया जाएगा तो वो यहाँ नॉक निकाल पाएंगे कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे डेबी इज प्लेइंग डैम गुड राइट नाउ, बट यहाँ पे वो इंस्टेंटली पुश कर रहे हैं, शायद उनको अभी किल के बारे में चाहिए, टॉप 10 में तो आ ही गए हैं, सो उनको किल में जाना है। यहाँ पे वारून ने आएगा स्पॉट किया है, लेट्स सी, एंड डेबी को अंडर एस्टिमेट करना बहुत ही दिक्कत होगा, यानी डेबी ने स्प्रे दिया एंड वारू को भी नॉक कर दिया है गाइस। यहाँ पे फिनिश करना चाहेंगे स्टार KJ वर्सेस RKS, 1v2 सिचुएशन, यहाँ पे RKS को भी नॉक कर दिया, ये दीज गाइज इंसेंट, यहाँ पे क्या वो 1v4 कर पाएंगे, नहीं, लेकिन AJ ने उनको ख़त्म किया, दीज गाई वॉज प्लेइंग डैम गुड। यहाँ पे 3 बंदे नॉक कर दिए थे इस बंदे ने, बस आखिरी बंदा बच गया था, थोड़ा सा होल्ड करते तो शायद ये भी निकाल लेते, बट ही प्लेड अ वेरी इंप्रेसिव गेम। एंड वहाँ पे TNT की टीम आई गेस उनके ऊपर पुश इन कर सकती है, बिकॉज आई गेस यही गोल्डन मिराडो है क्या, स्टॉर्म किंग के डेमोन अभी ख़त्म होते हुए, यहाँ पे टॉप 9 टीम्स हम लोग देख रहे हैं जैसे कि गाइस, एंड थोड़ा सा यहाँ पे रही हमारी गोल्डन मिराडो गाइस, ये रही हमारी गोल्डन मिराडो जो हमें TNT की टीम रखी हुई है, चलते हैं इनके साथ, अरे चलो भाई। यहाँ पे ये लोग फिलहाल के लिए एक स्पॉट ढूंढेंगे अपने लिए टू गेट कवर्स, बट यहाँ से बीच से ले जाना थोड़ा सा दिक्कत ला सकता है गेम में, एंड ऑफकोर्स टीम को भी, बिकॉज आई गेस तीन बंदे हैं टीम में, एंड तीनों, एंड यहाँ पे बीच में उतरे हैं भाई, बहुत मिड में है, एंड यहाँ पे T10 के बंदे ने स्पॉट किया, यस यहाँ पे यही होना था भाई, ओपन में अगर आओगे तो ऑफकोर्स कोई छोड़ने वाला नहीं है, दिस इज इंट अ जोक, यहाँ पे मजाक नहीं हो रहा है। एंड यहाँ पे जायरो गॉड को शायद कवर में आ चुके हैं, एंड उनको रिवाइव मिलेगा इंस्टेंटली, यहाँ पे स्मोक्स किए गए, बट यहाँ पे अगर ये बीच में फंस जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी टीम्स ऑलरेडी आ चुकी है, एंड यहाँ पे एक यही इशू हो सकता है, यहाँ पे एरीज की टीम भी धीरे धीरे क्लोजिंग कर रही है, जैसे कि देख रहे हैं राइट साइड पूरा एरीज ने ले चुका है, एंड यहाँ पे T10 के एसिड OP गॉट नॉक्ड, यहाँ पे TNT के जायरा गॉड को रिवाइव मिल गया, ऑल दो उनने ऊजी को लूज कर दिया अपनी टीम से, तो यहाँ पे टू मैन टीम बनी, यहाँ पे
टीएनटी थैनोस ने टाइगर को गिराया, उन्होंने आज अच्छा कवर फायर दिया, एक अच्छा मतलब कि कमबैक दिया। लेट्स सी कि विल दे एबल टू गेट दिस फाइट इन देयर हैंड्स और नॉट। यहाँ पे नेड किया है कुक, बट यस वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, बट सही टाइम पे फ्लैंक कर गए हैं। एंड आई गेस आपको मैं एक पूरा ओवरव्यू दिखाता हूँ। यहाँ पे टी एन टी की टीम, यहाँ पे स्टॉर्म किंग बचे हुए अपने टीम के अकेले, आई गेस स्टॉर्म किंग डॉन भी बचे हुए हैं। गाइज यहाँ पे भसड़ होने वाली है, जैसे कि मेरा पिंक फ्लक्चुएट कर रहा है, ग्रीन से सीधा येलो हो रहा है, उसका रेड हो जा रहा है। यहाँ पे 26 पीपल्स अलाइव इन आई गेस फिफ्थ जोन, एंड अभी तक यहाँ पे हमारी टॉप 10 टीम्स, टॉप 9 टीम्स हैं। यहाँ पे तन्मय नॉक होते हैं एंड एरीज के, ओके मनीष झा को नॉक किया। एरीज की टीम यहाँ पे सही टाइम का सही टाइम पे अपना कमाल दिखा रही है। लेट्स गो टूवर्ड्स एरीज। यस यहाँ पे एरीज का रैप्टर ने जो ओपी परफॉर्मेंस दी, यहाँ पर रैप्टर नॉकड है, लेकिन क्या वो बच पाएंगे कि नहीं। अरे क्रॉस क्यों नहीं हो रहा, यस यहाँ पे रैप्टर को रिवाइव मिल गया है। एरीज के मनीष को भी आना पड़ेगा इंस्टेंटली सर्कल में। एंड गाइस ये है हमारा लास्ट सर्कल, यहाँ पे अगर हील बैटल होने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। वहाँ पे तुष्टपाल नॉक्ड हैं एंड लेट्स सी कि वो बच पाएंगे कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे आई डोंट थिंक सो। फ्रिकिंग लैन स्टॉर्म किंग, वैसे यहाँ पे 1v1 सिचुएशन है, स्टॉर्म किंग को अगर ये ख़त्म करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होगा। लेट्स सी यहाँ पे टीएनटी के थैनोस ने स्टॉर्म डाउन को यहाँ ख़त्म कर दिया। यहाँ पे स्टॉर्म की टीम थोड़ी सी कोलैप्स कर रही है, बिकॉज जस्ट बिकॉज वो लोग आई गेस पूरा ओपन में है। ओके गाइस सो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्यूएफ के हेडशॉट ने स्टार एजे को नॉक कर दिया है। एंड ये रे की टीम वर्सेस टीम नंबर 12 वर्सेस टीम नंबर 11 हो रहा है। मैं और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस, ताकि एक एक्स्ट्रा व्यू दिखाऊं। यहाँ पे T10 के एसिड ओपी भी नॉक होते हैं, तो T10 की टीम को अपनी थोड़ी दिक्कत में आ रही है, बिकॉज उनको जल्दी से जल्दी रिवाइव देना है। ब्लास्ट आई थिंक कोई फाइट ले रहे नहीं फिलहाल के लिए, यानी यहाँ पे हेडशॉट नॉक्ड हो चुके हैं। यहाँ पे टॉप 7 टीम हम लोग जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एरीज की टीम बहुत सही डोमिनेशन दिखा रही है। आई गेस एरीज की टीम ये गेम पूरा निकाल सकती है। फ्रिकिन के अकेले ही बंदे बचे हुए हैं, वो लायन है जो कि, एंड लायन इज, वेयर इज लायन, टीम नंबर 7। ओके यहाँ पे रे की टीम थोड़ी सी दिक्कत में आ रही है, एंड यहाँ पे एरीज की टीम ने होल्ड कर लिया है। यहाँ पे टीम नंबर 8, यस यहाँ पे सामने जो दिख रहा है उनको ख़त्म कर रही है। यहाँ पे कोल्ड की टीम सर्कल में क्लोज इन कर चुके हैं, बट क्या वो रिवाइव दे पाएंगे कि नहीं, बट उनको मालूम नहीं कि ऊपर एरीज की टीम है एंड सामने T10 की टीम है, टीम नंबर 14 है। ये रहे हमारी टॉप 4 टीम्स, सब लोग अभी सर्कल से जा रहे हैं, बिकॉज यस यहाँ पे जोन साथ नहीं देगा किसी का, एंड इट इज़ द 6th जोन। यहाँ पे एरीज की टीम अभी तक जिंदा है, एंड यस एरीज अपने गेम, ये गेम पूरा अपने हाथों में ले। एरीज ने अपने क्वाड के अशु को यहाँ पे पूरी टीम को ख़त्म किया। यहाँ पे 3 टीम है, हियर इज द टॉप 3 टीम्स, एंड यहाँ पे वो इंस्टेंटली सर्कल के अंदर जाएंगे, एंड सर्कल बहुत ओपन में है। एंड लेट्स सी कि यहाँ पे एरीज निकाल पाती है कि नहीं, बिकॉज टीम नंबर 14 और 11 को इंस्टेंटली कर रहा है। यहाँ पे स्टॉर्म किंग को, ओके यहाँ पे 11 वर्सेस टीम नंबर 14 हो रहा है, तो एरीज अभी फिलहाल के लिए सेफ है बिकॉज डिस्टर्ब्ड हैं। एंड यहाँ पे एरीज की तरफ जा रहे हैं रैप्टर, एंड शायद दिक्कत में आ सकती है, बिकॉज एरीज ने अभी तक पोजीशन होल्ड कर चुकी है। यहाँ पे ग्रोजा चला रहे हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पे मैं अभी 55% का पर्सपेक्टिव नहीं दिखा पाऊँगा, बिकॉज गलत भचड़ मची हुई है। एंड यहाँ पे एक फ्लैंक किया है के जेएम ने, एंड यहाँ से यस एरीज के बंदों ने उनको इंस्टेंटली स्पॉट कर लिया। यहाँ पे एरीज के रैप्टर नॉक हो चुके हैं, एरीज की टीम को थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, बिकॉज यहाँ पे मनीष भी नॉक हो चुके हैं, तो यहाँ पे एरीज की टीम को एक जगह होल्ड करनी पड़ेगी, ये जो जगह है ये जो बना हुआ है, एंड JMB यहाँ पे। एंड यहाँ पे सर्कल जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, दिस इज द 7th जोन। लेट्स सी कि क्या होता है।
हम जैसे कि देख रहे हैं गोल्डन मेराडो यहाँ पे फटी पड़ी है एंड टीम नंबर 11 अपने गेम में ये हाथ ले अपने हाथ में ये गेम ले रही है। लेट्स सी विल दे एबल टू गेट दिस गेम इन देयर हैंड्स और नॉट। एंड यहाँ पे मनीष को शायद रिवाइव नहीं दे पाएंगे वो, तो यहाँ पे जिस टीम के पास 17 किल्स है गाइस, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रैम्बो, यहाँ पर स्मोक्स किए गए हैं, यहाँ पर रैम्बो के 6 किल्स हैं एंड यहाँ पे स्प्रिंग्स के भी, और यहाँ पे नहीं बचा पाई। यस ही इज़ टू लेट, यहाँ पे वो लेट हो चुके हैं, तो यहाँ पे हो चुके हैं अलाइव 3 बंदे एंड यहाँ पे ओके QFD के अकेले बचे हुए हैं। 1v2 सिचुएशन, एरीज फिर भी इस गेम को समाओ अपने हाथ में ले रही है। लेट्स सी QFD के गेम क्या करते हैं, यहाँ पे उनके पास हीलिंग्स भी है लेकिन लेट्स सी। यहाँ पे स्मोक्स कर रहे हैं, उनके पास पूरा लेवल 3 गियर है, वो चाहें तो इस गेम को पलट सकते हैं 1v2 करके एंड वो उनको स्पॉट कर लिया शायद एंड नहीं कर पाए। गेम लिया एरीज ने अपने हाथों में, बहुत अच्छा गेम प्ले। जी जी गाइस,